Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss your next chapter, that is Halogenating Organisms. In this chapter we will discuss cellulose, difference between mitosis and meiosis, DNA, heredity, and identification of precious seeds that can be transferred from parents to the offspring, and the structure of precious seeds related to the ear and eye. Now first we discuss the cellulose. सेल डिवीजन मीन कि सेल जो है वो डिवाइड होगा। आप लोगों को पता है कि सेल कौन ही उससे जो है वो डिवाइड होता है। सेल जो है वो एक सेल की जो है डेफिनेट ग्रोथ के बाद एक सर्टन साइज पहुंच आने के बाद उसके सेल क्या होता है वो डिवाइड होता है। मीन एक सर्टन साइज के बाद सेल जो है वो अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देता है। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल में डिवीजन नहीं हो रही, इट्स मीन कि वहाँ पर कोई ऑक्सीजन या फूड की कोई कमी है, इसकी वजह से जो है वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा। वरना एक डेफिनेट साइज के बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, जो एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दी है उसने कहा है कि रेड ब्लड सेल्स, अब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 डेज के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और न्यू जो है वो न्यू ब्लड सेल्स बन जाते हैं और वो किसको रिप्लेस कर देते हैं, डेड वन सेल्स को। और ये ब्लड सेल्स जो है एवरी 120 डेज के बाद जो है ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनना शुरू करते हैं, जो कि पुराने जो रिप्लेस कर देते हैं डेड सेल्स को। अब जो हमारी स्किन पे अगर कोई कट लग जाए कुछ टाइम के बाद वो जो है वो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल न्यू स्किन सेल्स उसके अंदर बनते हैं, न्यू स्किन उसको जो है वो जो डेड वाली होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और न्यू स्किन की सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है। अब जब हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की, तो सेल डिवाइड इन टू न्यू सेल्स। जब सेल एक सेल जो डिवाइड होता है तो दो नए सेल। अब जो सेल जो डिवाइड हुआ है उसको हम पेरेंट सेल कहेंगे और जो दो नए सेल बने हैं उसे हम डॉटर सेल कहेंगे। इस पॉइंट को दोबारा समझें कि एक सेल जब डिवाइड होता है वो किस में डिवाइड हो जाता है, इनटू टू न्यू सेल्स। अब जो डिवाइड जिस सेल ने डिवीजन किया है उसको हम पेरेंट सेल कहेंगे और जो दो न्यू सेल बन रहे हैं उसे हम डॉटर सेल्स कहेंगे। अब इस सेल टू प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन के अंदर। पहला प्रोसेस है न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, दूसरी जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब जो न्यूक्लियस की डिवीजन से हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन से हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि सेल जो है वो सर्टन साइज के बाद डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो रही इसमें देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड इन इट, ठीक है। जो न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बनते हैं वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, डेड बोन सेल्स को। स्किन जो है वो जो तो कट लग जाए कुछ वो भी रिप्लेसमेंट होती है न्यू स्किन सेल्स के साथ। सेल जब डिवाइड करता है दो न्यू सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। जिस सेल ने डिवाइड किया है उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे, जो न्यू टू न्यू सेल्स बने उसे हम डॉटर सेल्स कहेंगे। इस प्रोसेस में इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व है सेल डिवीजन के अंदर। एक में न्यूक्लियस की डिवीजन है जिसे हम करियोकाइनेसिस कहेंगे, दूसरा साइटोप्लाज्म की डिवीजन है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है वो दो, पहला है माइटोसिस, सेकेंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस जो है वो कहाँ पर इट टेक प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। ये किस में है, सोमैटिक सेल्स में है, मीन बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बॉडी के किसी भी सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो माइटोसिस होगा। लेकिन जो मियोसिस है ये कहाँ पे होगा, ये स्पेशल सेक्स सेल्स के अंदर होगा। स्पेशल सेल्स हैं जिसे हम लोग कहेंगे सेक्स ऑर्गन्स। तो मियोसिस जो है स्पेशल सेक्स सेल्स में होता है जिसे हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जबकि माइटोसिस जो है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, मीन के किसी भी बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन जो आपका है टॉपिक वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडीज। तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स का क्या मतलब हुआ, दैट इट इज द कलर्ड बॉडीज। क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडीज, इट मीन दैट इट इज अ कलर बॉडी। और ये कलर बॉडी क्या है, बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू बी स्टेन विद डाई, कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डाई इसके ऊपर कलर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने नेक्स्ट इसको डिस्कस करना है क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड्स। अब ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, इसमें ये दो इसके क्रोमेटिड्स हैं। अब क्रोमेटिड्स क्या है, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं इसको। मतलब इसके क्रोमोसोम्स के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं और ये दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अटैच विद अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। दियर मैन में एक सेंट्रोमियर है जिसके साथ ये पेयर ऑफ एक ये पेयर है जो दोनों पेयर क्रोमेटिड्स के जो है वो अटैच हैं दिस वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं
टैच है एक पॉइंट से, जैसे हम इसको हम सेंट्रोमीयर कहते हैं। और ये जो है दो क्रोमोसोम जो है वो किस पर मुश्तमिल है, एक ये और एक ये दो सिस्टर इसके क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम किस पर मुश्तमिल है, टू क्रोमेटिड्स। और ये दोनों क्रोमेटिड्स अटैच इन पॉइंट से, इस पॉइंट को कहेंगे सेंट्रोमीयर। ठीक है, अब सेंट्रोमीयर कहां पे मौजूद है, इट इज लोकेटेड इन द नियर द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड्स, बिल्कुल मिडल में जो मौजूद है वो क्रोमेटिड्स। अब आपको बताना चाहिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के तादाद मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, और ऑल द बॉडी ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बाकी सब ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, लेकिन कुछ जो दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे। जैसे ह्यूमन बींग में अगर 46 हैं तो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होंगे, जैसे कि कैट के अंदर 19 है, जैसे फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 है। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स की तादाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होगी। क्रोमोसोम्स में आपको पता होना चाहिए क्रोमा का मतलब क्या है, कलर, क्रोमा मीन बॉडीज, इसके अंदर एबिलिटी थी टू बी स्टेन विद डाई। ठीक है, इसको डाई हो जाता है। इसके पार्ट्स को जहन में रखें कि इसके दो क्रोमोसोम्स के टू क्रोमेटिड्स थे, इसे सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया गया, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच एक पॉइंट से जिसको हम सेंट्रोमियर कहा है, वो सेंट्रोमियर सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम्स में मौजूद है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोसिस। इन माइटोसिस देयर आर फोर फेजेस, नंबर वन इज प्रोफेज, नंबर टू इज मेटाफेज, नंबर थ्री इज एनाफेज, एंड नंबर फोर इज टेलोफेज। माइटोसिस हैव फोर फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन प्रोफेज स्टेज, ये माइक्रोफेज स्टेज है, इन दिस प्रोफेज स्टेज सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए उससे पहले कौन सी फेज थी, दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज में ये हुआ था कि ये जो क्रोमेटिन मटीरियल था ये पूरा है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पूरा क्रोमेटिन मटीरियल था जो आहिस्ता 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 कंडेंस हो गए, थिक होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद इस फेज में ये स्पाइनल फाइबर्स भी, मतलब स्पाइनल फाइबर्स तो नहीं थे, फाइव सेंट्रियोल्स जो थे वो थोड़े से मोटे थे। सबसे पहले ये हुआ कि ये जो क्रोमेटिन इंटरफेज में क्रोमेटिन ने थिकना स्टार्ट करी, थिक होना शुरू हो, लेकिन आपकी बुक में स्टार्ट क्वेश्चन प्रोफेज से किया तो हम प्रोफेज को डिस्कस करेंगे। इन प्रोफेज स्टेज, दिस वन इज अ प्रोफेज स्टेज, क्रोमोसोम शॉर्टन, फ्लैटन एंड विजिबल बाय द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इंटरफेज में तो वो क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, लेकिन प्रोफेज के अंदर वो थिक हो गए, फ्लैट हो गए, शॉर्ट हो, शॉर्टन फॉर्म में आ गए और वो विजिबल हो गए थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब इसके अंदर ये था, ये देखें कि क्रोमोसोम जो थे उसके साथ वो अटैच थे, उसके दो क्रोमेटिड्स थे जो कि अटैच थे विद द सेंट्रोमियर। इंटरफेज में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें विजिबल न्यूक्लियस में नहीं होता। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम शॉर्ट हुए, फ्लैटन हो गए, विजिबल हो गए विद माइक्रोस्कोप, उसके दो क्रोमेटिड्स थे जो कि अटैच थे विद द सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रियोल्स जो थे यहाँ पे इंटरफेज में विजिबल नहीं थे, ना स्पाइनल फाइबर्स विजिबल थे, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि सेंट्रियोल्स हमें नजर आना शुरू हो गए साइटोप्लाज्म में, और वो उन्होंने पोजिशन कौन सी लेगी ले ली एट द अपोजिट, यहाँ पे वो अपोजिट एंड पे नहीं थे, यहाँ पे अपोजिट एंड पे हो गए। अब उनमें से प्रोफेज के अंदर स्पाइनल फाइबर निकलना शुरू और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो ब्रेक डाउन होना शुरू, ये सारा प्रोसेस हुआ है प्रोफेज में। क्या हुआ था प्रोफेज में, क्रोमोसोम शॉर्ट हुए, फ्लैटन हुए, विजिबल हो गए विद द माइक्रोस्कोप, पहली बार। क्रोमोसोम्स जो थे उसके साथ दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे और दोनों अटैच थे विद द सेंट्रोमियर, टू स्मॉल टू स्ट्रक्चर थे जिससे सेंट्रियोल्स का नाम दिया गया था, वो अपोजिट पोल पे चले गए साइटोप्लाज्म के और वहां से स्पाइनल फाइबर्स निकलना शुरू हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वो ब्रेक डाउन हुई। ये प्रोफेज वन में। नेक्स्ट वन है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स थे स्पाइनल फाइबर जो अपोजिट पोल पे गए उसके साथ मिडल में जाके इन क्रोमोसोम ने अपने आप को अटैच कर लिया ऑन द स्पाइनल फाइबर। स्पाइनल फाइबर पे जहां से वो अटैचमेंट थी वो सेंट्रोमियर पॉइंट से। मेटाफेज में उन्होंने क्या किया कि जो अपोजिट पोल पे सेंट्रियोम्स थे, स्पाइनल फाइबर जो वहां से निकले उसके ऊपर क्रोमोसोम ने अपने आप को अटैच किया एट द सेंटर ऑफ द सेल, और सेंटर ऑफ द सेल जहां से उन्होंने अटैचमेंट की वो था सेंट्रोमियर पॉइंट। एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि क्रोमेटिड्स ये सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम से क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। अब जो ये सेपरेशन हुई ये कौन सी पोजीशन से, मीन सेंट्रोमियर से वो सेपरेट हो गए, ये सेंट्रोमियर से ब्रेक डाउन हुई, ये पूरा क्रोमोसोम था
ये जैसे ये सेंट्रोमियर था यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये स्ट्रक्चर था। अब ये स्ट्रोमेटिड सेपरेट हो गए ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब ये सेपरेशन क्यों हुई, इसकी रीजन ये थी कि ये जो स्पाइनल फाइबर था इसने एक पुल, एक फोर्स, एक पुल सी लगी जिसने इस पुल की वजह से ये जो सेंट्रोमियर था उसने इसको सेपरेट करते हैं टू द क्रोमेटिड्स। अब ये जो क्रोमेटिड्स जो थे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू। अब नेक्स्ट वन जो इसका था लास्ट फेज जो था वो था टीलो फेज, और इस टीलो फेज में ये हुआ कि क्रोमोसोम्स गैदर एट अपोजिट एंड, लेकिन ये सारे गैदर हो गए अपोजिट एंड, ठीक है। अब इमेजिनेशन होगी साइटोप्लाज्म की अंदर से, ठीक है, ताकि ये एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा इस फेज में बनना शुरू हो गई, साइटोकाइनेसिस हुई, मीन डिवीजन ऑफ सेल या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड इट इज पिंच ऑन द हाफ, ये देखिए हाफ से पिंच हो गया, अंदर इमेजिनेट हो गया, ठीक है। और एक ये जो डॉटर सेल, एक जो पेरेंट सेल था डिवाइडेड टू टू डॉटर सेल, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से क्या हुआ कि वो इंटरफेस वाली स्टेज इसकी दोबारा से आना शुरू होगी, वो दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहले खत्म हो गई थी दोबारा बनना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये चीजें जो थी इसमें माइटोसिस में, तो वन सेल जो था पेरेंट सेल डिवाइड हो गया इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस इज द माइटोसिस। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, आपको इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। व्हेन लिविंग थिंग ग्रो दे मेक न्यू सेल्स, जब लिविंग थिंग ग्रो करते हैं तो वो एक न्यू सेल बनाते हैं, माइटोसिस मेक्स दीज न्यू सेल। जो न्यू सेल बनते हैं वो कौन से प्रोसेस से बन रहे हैं, थ्रू द माइटोसिस, वेदर इट इज इन द ग्रोथ ऑफ अ बेबी, अगर बेबी की ग्रोथ हो रही है तो वो भी दिस इज ड्यू टू द माइटोसिस। द हीलिंग ऑफ द बाउंस, जो जख्म आप लोगों की ठीक हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द माइटोसिस। जर्मिनेशन ऑफ द सीडलिंग, जर्मिनेशन जो प्लांट में हो रही है, जर्मिनेशन ऑफ सीड से सीडलिंग और जो कन्वर्जन हो रही है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द माइटोसिस और रिप्लेसिंग द रेड ब्लड सेल्स। माइटोसिस ऑल्सो अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस कहाँ पे हो रही है, इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल इन द पेरेंट प्लांट्स और एन एनिमल डिवाइड टू मेक न्यू सेल विच फॉर्म न्यू आइडेंटिटी। ये जैसे यहाँ पे एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो न्यू सेल बनाता है, तो माइटोसिस में भी यही है कि एक, इसकी इंपॉर्टेंस में पूछने की बात की है कि एक जो सेल है वो डिवाइड होके दो न्यू सेल बना देता है। तो माइटोसिस जर्मिनेशन में हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रही है, और ग्रोथ ऑफ बेबीज में हो रही है, हीलिंग ऑफ द बोन्स में हो रही है, और रेड ब्लड सेल्स में। थैंक यू। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मियोसिस। मियोसिस हैव टू क्लियर डिवीजंस, नंबर वन इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। इन मियोसिस जस्ट लाइक अ माइटोसिस इट ऑल्सो हैज अ फोर स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन मियोसिस वन वी कैन से प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड द टेलोफेज वन। मियोसिस हैव टू डिवीजंस, मियोसिस वन, मियोसिस टू। मियोसिस वन हैज अ फोर स्टेजेस, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड द टेलोफेज वन। फर्स्ट वी डिस्कस द प्रोफेज वन। See this diagram. In this diagram, just like mitosis, there is an interface in which chromatin material are condensed. Nucleus के अंदर वो chromatin material बिल्कुल condensed होता है, उसमें बिल्कुल visible नहीं होता, chromosomes बिल्कुल visible नहीं होते, spinal fibers जो हैं वो भी मतलब visible नहीं होते। तो ये जो stage होती है इसको कहते हैं interphase, और इसके अंदर nuclear membrane भी मौजूद होती है। लेकिन जैसे हम लोग prophase 1 की बात करेंगे तो prophase 1 में देखें आप लोग, ये है स्टेज जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और बिकम विजिबल विद इन द माइक्रोस्कोप। अच्छा, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि अटैच हैं विद द सेंट्रोमियर, और इन इसमें माइटोसिस में और मियोसिस में यही फर्क है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं दीज आर द आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स विच इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। बाकी सारे पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स थे जो मैंने पहले बताया, क्रोमोसोम बिकम विजिबल शॉर्टन, ये माइटोसिस में भी यही हो रहा है। क्रोमोसोम जो है वो अटैच होंगे विद द सेंट्रोमियर, उसके दो क्रोमेटिड्स होंगे, ये पॉइंट भी उसमें माइटोसिस में भी है। लेकिन जो पॉइंट ये नहीं है वो ये है कि इसमें आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं जिसे हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें हम लोग जब बात करेंगे तो वे कहेंगे कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो ये क्रोमोसोम कंडेंस होके थिक होके जो विजिबल हुए वो कौन से क्रोमोसोम हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम।
अब इसके अंदर जो है वो लास्ट जो पॉइंट है इसका वो ये है प्रोफेज वन में, इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट वन है मेटाफेज, मेटाफेज वन। अब जो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, हम लोगों ने माइटोसिस में बात की थी कि क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाएंगे मिडिल ऑफ द सेल और अपने आप को स्पाइनल फाइबर पे अटैच कर लेंगे थ्रू द स्पाइनल फाइबर्स। ये बात हमने माइटोसिस में मिली थी और यही बात मेटाफेज वन में है। इसमें भी वही है कि इसमें जस्ट फर्क यह है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये जी होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ इन द मिडिल ऑफ द सेल, ये भी अपने आप को अरेंज कर लेंगे मिडिल ऑफ द सेल के साथ और स्पाइनल फाइबर के साथ अपने आप को अटैच कर लेंगे थ्रू द पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रोमीयर। इसमें भी वही सेम पॉइंट। नेक्स्ट वन इज एनाफेज वन। इन एनाफेज वन अब मैं आपको पहले माइटोसिस का बताऊंगी कि माइटोसिस में ये हुआ था कि वहां पे जो स्पाइनल फाइबर्स के साथ जो क्रोमोसोम्स अटैच थे वहां पे एक पुल, एक फोर्स स्पाइनल फाइबर्स जो थे वो पुल लगी, जिसकी पुल की वजह से ये हुआ कि वो जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो गए पूरा सेंट्रोमियर और वो क्रोमेटिड्स जो थे वो बन गए वहां पे और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करके क्रोमेटिड्स। अब यहां भी ये है कि स्पाइनल फाइबर्स एनाफेज में ये हुआ कि स्पाइनल फाइबर शॉर्ट हुए और क्रोमोसोम्स गोइंग टू द अपोजिट पोल, यहां पे कोई ऐसी पोल नहीं लगी कि वो क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाए इनटू द क्रोमेटिड्स। इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मूव कर गया इनटू द अपोजिट पोल्स। क्या हुआ था एनाफेज वन में कि स्पाइनल फाइबर शॉर्ट हुए और क्रोमोसोम जो थे वो पूरा का पूरा मूव कर गया टू द अपोजिट पोल। लास्ट स्टेज जो इसकी है मियोसिस की वो है टेलोफेज वन। वो ये है जी टेलोफेज वन। इसमें क्या हुआ क्रोमोसोम्स गैदर एट द एंड ऑफ द सेल, एंड ऑफ द ये वहां पे जमा हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो गई, ये देखिए स्पाइनल फाइबर्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो गए यहाँ से ये टूट गए ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये वाला ये सारा पिंच इनटू द हाफ, हाफ से उसने इमेजिनेट कर लिया अंदर की तरफ ठीक है, ताकि ये डिवाइड होके दो में डिवाइड हो जाए, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके दो में डिवाइड हो जाए और डॉटर सेल हैज हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम बने हो गए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए वो हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। हमने इसकी जो स्टेजेस डिफरेंट फेजेस पढ़े वो थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे जो डिफरेंस था वो यही था कि क्रोमोसोम्स पहले स्टेज में यही था कि प्रोफेज वन में क्रोमोसोम शॉर्ट हुए, थिक हुए, विजिबल हो गए अभी द माइक्रोस्कोप इन द माइक्रोस्कोप, उसके सेंट्रोमियर पॉइंट था जिसपे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे और क्रोमोसोम जो अटैच थे थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसमें जो फर्क ये है कि यहाँ पे आइडेंटिकल क्रोमोसोम है जिसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना शुरू हो गया। मेटाफेज में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे मिडल ऑफ द सेल में जाकर उन्होंने अपने आप को स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच कर लिया और सेंट्रोमियर से अपने आप को जोड़ लिया। एनाफेज में ये हुआ कि ये शॉर्ट हुए वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो था वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गया और टेलोफेज वन में वही वायरेक्टोमी में दोबारा बनना शुरू हो गया, स्पाइनल फाइबर खत्म होना शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म ने पिंच किया इनटू द हाफ और एक सेल जो था वो दो में डिवाइड हो गया लेकिन इसका हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे टू द पेरेंट सेल्स। अब ये जो टेलोफेज के बाद इसका जो सेकेंड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा वो मियोसिस टू है विच इज टोटली रिजेंबल विद द माइटोसिस। जो मियोसिस टू है वो किसकी किसकी तरह है बिल्कुल माइटोसिस की तरह। यहाँ से टेलोफेज वन के बाद जो दो सेल्स बने इसमें दोबारा से वही स्टेज में प्रोफेज टू स्टार्ट हो गई है, इससे नेक्स्ट जो स्टेज स्टार्ट हुई है वो प्रोफेज टू है और जो कि मियोसिस टू में इंक्लूडेड होगी और मियोसिस टू जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह। नाउ वी स्टार्ट द न्यू सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस मियोसिस वन दैट इज अ मियोसिस टू, इट इज द सेकेंड डिवीजन ऑफ द मियोसिस। In this is totally resembled with the mitosis. Now we discuss the first stage of the meiosis 2, that is prophase 2. In prophase 2, two cells form at the end of meiosis 1. You can see that in the end of the telophase 1, there are two daughter cells are formed. In this phase, in this prophase 2, nuclear membrane break down, spinal fibers are again formed, क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकन। इसमें भी ये जो थे ये टेलोफेज में जो बने थे ये दोबारा कंडेंस फॉर्म में आ गए थे, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया दोबारा से शॉर्ट और कंडेंस शॉर्टन होकर क्रोमोसोम्स बनाना शुरू हो गए और ये इसके बाद ये जो स्पाइनल फाइबर्स थे ये भी बनना शुरू हो गए और इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो इसकी डिसअपीयर हो गई। इन मेटाफेज टू जस्ट लाइक माइटोसिस क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पाइनल फाइबर,
यू कैन सी दैट द क्रोमोसोम्स व्हिच इज फॉर्मड इज दिस वन इज अ प्रोफेज 2. यू कैन सी दैट इन दिस फेज स्पाइनल फाइबर इज फॉर्मड. स्पाइनल फाइबर इज फॉर्मड दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम्स. नाउ द सेकंड स्टेज इज मेटाफेज 2. इन दिस मेटाफेज 2 दीज क्रोमोसोम्स आर अटैच देमसेल्फ ऑन द स्पाइनल फाइबर्स एंड द सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. दीज आर द सेंट्रियोल्स इन विच स्पाइनल फाइबर्स आर फॉर्मड एंड द क्रोमोसोम्स अटैच देमसेल्फ ऑन द स्पाइनल फाइबर. यही है मेटाफेज 2 पे. लेकिन ये अटैच किससे हुए? थ्रू द सेंट्रोमियर. You can see that these two cells, one this one and this one, and attach itself on the spinal fiber. In anaphase 2, spinal fiber shortened, separating the chromatid. इसमें क्या हुआ कि दोबारा से क्रोमोसोम जो थे, it will separated. एक पुल लगी ये spinal fiber में, उनको पुल लगाई जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स जो थे, ये जो क्रोमोसोम्स थे, दो क्रोमेटिड्स थे, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, ये सेपरेट हो गए. और ये जब सेपरेट हुए और ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू. दो सेल्स है, दोनों में देख लेंगे, दोनों क्रोमेटेड्स जो थे क्रोमेटेड्स बन गए और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले गए. उसमें जो सबसे पहला जो अहम बात ये हुई कि स्पाइनल फाइबर जो थे वो शॉर्ट होकर सेपरेट हो गए. उन्होंने क्रोमेटेड्स कोई क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए इनटू द क्रोमेटेड्स. लास्ट स्टेज इज टेलोफेज. इन टेलोफेज स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जैसे कि हम लोगों ने प्रोफेज में डिस्कस किया कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, लेकिन टेलोफेज में वो दोबारा बनना शुरू हो गई. साइटोकाइनेसिस मीन कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी. ये देखें सेल ने ये इसकी न्यूक्लियर इसने इमेजिनेशन स्टार्ट कर दी. ये अब डिवाइड हो जाएगा इनटू द टू डॉटर सेल्स, ये भी टू. अब ये जो साइटोकाइनेसिस होगी मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया. अब ये जो एक सेल था ये डिवाइड हो गया इनटू टू, ये इसके हो गए दो. और ये जब इसने इमेजिनेशन कर दी यहां से ब्रेक डाउन हो गया तो ये भी इसके भी दो बन गए सर. और इसमें कितने बन गए? अब फोर डॉटर सेल्स इज फॉर्म. अब चार डॉटर सेल्स बन गए इसमें. और इसमें अगेन जो है वो उसी तरह से दोबारा से खत्म होना शुरू हो गया. स्पाइनल फाइबर जो है दोबारा से जो है वो बनना शुरू खत्म हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी दोबारा बन गई. और ये जो थे स्पाइनल फाइबर जो था ये हमारा जो था ये ब्रेक डाउन हो गया और साइटोकाइनेसिस हुई. ये सारा जो फेज था ये टेलोफेज 2 का था. और नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस. व्हाट इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द मियोसिस? मियोसिस इज यूजुअली फॉलोड बाय द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग. मतलब मियोसिस जो हो रही है वो किसकी यूनियन से होगी? स्पर्म और एग की यूनियन से. और मियोसिस की वजह से मियोसिस जो है यूजुअली प्रोवाइड्स मिक्सिंग ऑफ फ्रेसिस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. मियोसिस से जो हमारे जो हमारी जनरेशन को नेक्स्ट ऑप्शंस को जो जा रही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स वो मिक्स है किसका? बोथ पेरेंट्स का. मदर और फादर दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी के अंदर वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इट इज द सेम. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब जो जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बिकम हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. क्यों? उसकी हाफ होने की रीजन ये है कि उसको जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स हमारे होंगे उनमें जो है वो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द फादर. सो मियोसिस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एग और स्पर्म के अंदर क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे. मीन 23 कम फ्रॉम द मदर फ्रॉम द एग और फ्रॉम द मदर एंड 23 फ्रॉम द फादर. 23 प्लस 23 बिकम 46. तो मियोसिस होने का मकसद ये था कि ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाए. हाफ होने की रीजन ये है कि 23 फ्रॉम मदर आएंगे 23 फ्रॉम द फादर आएंगे. अब जब एग और स्पर्म जो है इन दोनों के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है. एग के अंदर भी 23 है और स्पर्म के अंदर भी 23 है. अब ये जो एग और स्पर्म जब दोनों यूनाइट करेंगे दे विल फॉर्म द जायगोट. दोनों की कॉम्बिनेशन से जायगोट बन जाएगा. अब जो जायगोट जो बना है हमारे पास उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बिकम इज इक्वल टू द 46. क्यों? 23 मदर से आगे 23 फादर से आगे 23 प्लस 46 जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम द सेम. जो हम लोगों ने ये बात की थी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, अब ये यहां से हमें ये बात प्रूफ हो चुकी है कि हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम हो जाएगा.
23 मदर साइड 23 फादर साइड जायगोट बन गया एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जायगोट बिकम इक्वल सेम. अब जायगोट हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जायगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 फ्रॉम द मदर एंड 23 फ्रॉम द फादर. अब जो ओवरीज जो बन रही हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, जो फीमेल में ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करेंगी एग्स, और जो मेल के अंदर टेस्टिस हैं इट विल प्रोड्यूस द स्पर्म. अब ये जो एग जो फीमेल में प्रोड्यूस हुई टेस्टिस फ्रॉम द मेल, दे विल यूनाइट एग एंड द स्पर्म, दे विल फॉर्म द जायगोट एंड हैव द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट. अब हम लोग अगर ये तो हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात की, नेक्स्ट हम लोग बात करें प्लांट्स की. प्लांट्स के अंदर जो है वो एंथर प्रोड्यूस होता है, जो कि एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ओवरीज जो प्लांट के अंदर है इट विल प्रोड्यूस द एग सेल्स. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द म्यूसिस.